हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल सो यू विद शिल्पा भाटी अगेन सबसे पहले तो आई एम सो 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 सॉरी आप लोग कब से मुझे बोल रहे हो रेज्यूम से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए आपको हेल्प करने के लिए बट मैं नहीं कर पा रही थी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था लास्ट वन वीक से आई वुड से लास्ट टेन डेज से तो मैं इतनी ज्यादा बिजी थी कि मैं काफी लोगों को ना ही कॉमेंट्स की रिप्लाई कर पाई ना ही मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाईज कर पाई बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आज और कल में वो रिप्लाईज भी करूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँ इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे भी आज रात को लाइव आने वाली हूँ तो इनकेस आप ये वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको कुछ भी डाउट है कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे लाइव पूछ सकते हो राइट अगर अभी तक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए तो कनेक्ट कीजिए आप जॉब ढूंढने वाले हो या अगर आप फुल टाइम जॉब ढूंढने वाले हो मैं खुद भी अभी जॉब ढूंढ रही हूँ फुल टाइम राइट जैसे की मेरा ग्रेजुएशन हो गया बट यू नो वॉट ऐसा नहीं है कि गलती लोगों की है या गलती कैनेडा की है या गलती रेज्यूम की है गलती आपकी खुद की भी होती है मेरे सिंह में बहुत अलग अलग गलतियां हैं जो मैंने करी हैं जो कि मैं शेयर करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि आप वो लोग आप वो गलतियां ना करो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को सिखाती हूँ और बताती हूँ कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली exactly. तो टॉकिंग अबाउट द रेज्यूमे रेज्यूमे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर प्ले करता है बट रेज्यूमे इज नॉट द ओनली थिंग यू कैन नॉट थिंक अगर आपका रेज्यूमेर परफेक्ट है तो आपको जॉब मिलेगी देर इज नो परफेक्ट रेज्यूमे हेयर राइट right? आपको हर जॉब के हिसाब से रिज्यूमे ऑल्टर करना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो तो एक बेसिक पार्ट टाइम जॉब के लिए आप कैसे रिज्यूमे बना सकते हो मैं आपको वो बता देती हूँ बट अगेन आई एम रिपीटिंग जस्ट डू नॉट डिपेंड ऑन दैट कि नहीं रिज्यूमे पे ही होगा जो होगा रिज्यूमे सही होगा तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी देर आर फ्यू थिंग्स जो कि मैं बताने वाली हूँ उन चीजों का भी ध्यान रखना वाइल अप्लाइंग फॉर

नो मैटर वॉट रिज्यूमे एक पेज का ही रहना चाहिए एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए करेक्ट आपको इतने बड़े प्रोफेशनल नहीं हो दस साल का एक्सपीरियंस नहीं है कि आप लंबा बनाओ यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है टॉकिंग अउट दी पार्ट टाइम जॉब अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हो इफ यू हैव एक तो देखो जब ये वन पेज का आप बना सकते हो आप चाहो तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके भी बना सकते हो उसी एक पेज को अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है आपका एक्सपीरियंस ज्यादा लिखना है तो आप यहाँ पे अपनी अवेलेबिलिटी स्किल्स लिख सकते हो अवेलेबिलिटी right? लिख सकते हो राइट स्किल्स लिख सकते हो एंड इस तरीके से यहाँ पे आप अपना जो है सर्टिफिकेशन लिख सकते हो तो यहाँ पे या अपने अकम्पलिशमेंट्स लिख सकते हो कोई भी अगर है तो तो यहाँ पे वो चीजें लिख सकते हो एंड यहाँ पे आप अपना समरी लिख, लिख सकते हो एजुकेशन लिख सकते हो एक्सपीरियंसेस लिख सकते हो बट इफ यू आर अ फ्रेशली ग्रेजुएट या फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं है एक आध साल का या, या दो साल का एंड काफी लोग जो है वो फेक एक्सपीरियंसेस बना के लेके आते हैं सो दैट्स अ रियालिटी आप लोग ये मत बोला नहीं नहीं हम तो नहीं करते हैं ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट डज दैट राइट तो फेक एक्सपीरियंस बना के लेके आते हो तो वो लिखना ही है आपको राइट right? तो आपको वो लिखना कैसे है वो मैटर करता है सबसे पहली बात आपका ये जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे है वन पेज रिज्यूमेकोर जिसउट दिस लाइन ठीक है ये लाइन को भूल जाओ पूरा एक पेज का रिज्यूमे है यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे राइट एंड अगर तो अगर आप एम बी ए कर रहे हो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो कोई आपका इंपॉर्टेंट कोर्स है तो आप वो कोर्स लिख सकते हो साइड में एम बी ए नहीं तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है आप अपना पूरा नाम लिखना उसके बाद यहाँ पे आप अपनी लोकेशन डालना आप अपना नंबर डालना एंड आप अपना जो है लिंकड इन डालना अपना ई एड्रेस डालना जरूर एंड अपना लिंक इन डालना तो जब लिंक इन डालोगे पूरा का पूरा लिंक मत डालना उस लिंक को एडिट करना उसको नेम देना लिंक इन तो ने वो नेम लिंगड इन होना चाहिए और उसमें लिंक अटैच करना ठीक है इस तरीके से करना है जिससे वो मैसी ना लगे नीट एंड क्लियर लगे उसके बाद एक लाइन डालोगे आप नीचे ऐसे ठीक है उसके बाद आप लिखोगे अपनी समरी चार लाइन की समरी होनी चाहिए चार लाइन से ज्यादा समरी नहीं होनी चाहिए चार लाइन की समरी में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है आप वो डाल सकते हो इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग हेयर तो आप वो डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल यू नो हाउ टू लाइक मेक पिज्जा है ना मतलब मेक बर्गर कुछ भी लिख देना तो लिख सकते हो कि एक्सपर्टीज इन लाइक लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्कड एट मैकडोनल्ड्स करके मतलब ऐसे टाइप का कुछ भी लिख सकते हो या फिर प्रोफेशनल इन दिस थिंग ऐसे करके कुछ भी चार लाइन का जहां पे आप अपना इंडस्ट्री अपना एक्सपीरियंस और उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आई कैची होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टोर में अप्लाई कर रहे हो मैं आप जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट में अप्लाई करती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी दैट ऑलरेडी आई हैव वन पॉइंट फाइव ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ ग्रोसरी स्टोर टेक्स केयर ऑफ द इन्वेंट्री वर्क्स एज अ कैशियर हैंडल्स द कंप्लीट फ्लो ऑफ गुड्स और द इन्वेंट्री तो ये क्या होगा वो वॉलमार्ट के लिए आई कैच ही होगा वो बोलेंगे हाँ मतलब ये बंदा है हमारे काम के लिए तो अब यहीं ही सीन आता है तो जब आप अपने रिज्यूम में प्रिंट करवाओगे करेक्ट इसके बारे में बताऊंगी जब प्रिंट करवाओगे तो इस तरीके से समरी हो गया फिर आएगी नेक्स्ट लाइन उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी पहले लिखेंगे अब अवेलेबिलिटी के लिए एक सजेशन देती हूँ काफी बच्चे बोलेंगे कि अभी हमारा स्केड्यूल फिक्स नहीं है तो हम अवेलेबिलिटी कैसे लिखें? तो मतलब दिस इज जस्ट माय आइडिया अदरवाइज अवेलेबिलिटी अगर आपका स्केड्यूल फिक्स है उस सिनेरियो में यू जस्ट राइट योर अवेलेबिलिटी एज अवेलेबल ऑन दिस एक्स वाई डे एक्सेप्ट या अवेलेबल ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट एक्स एंड वाई डे इस तरीके से ये मत करो मंडे टिक ट्यूसडे टिक वेडे टिक थर्सडे क्रॉस ऐसे वाले बड़ा बड़ा भर भर के पे ऐसे मत लिखो एक क्लासी वे में लिखना है ठीक है अवेलेबिलिटी नीचे पॉइंट अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू वे मंडे टू थर्सडे एक्सेप्ट फ्राइडे सैटरडे एंड संडे या फिर लाइक अगर तुम्हारा डायरेक्ट है तो यही लिख दो अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू थर्सडे या फिर लिख दो अवेलेबल ऑन वीकेंड्स लाइक दैट मीनस फ्राइडे सैटरडे संडे या फिर लिख दो अवेलेबल ऑन दिस एंड दिस ठीक है साथ में एक और पॉइंटर नीचे लिखो कंफर्टेबल इन विद नाइट शिफ्ट्स ये तरीके से लिखो आप ठीक है एंड अब अगर आपका जो है स्केड्यूल फिक्स नहीं होता आपका स्केड्यूल जो है वो अभी आपको कुछ नहीं पता आपका स्केड्यूल क्या होगा क्या नहीं होगा आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है टेंथ ऑफ जुलाई से और आपको फिफ्थ ऑफ जुलाई में आएगा स्केड्यूल बट आप पंद्रह या बीस जून को ही कैनेडा आ रहे हो तो आप अभी आप दस दिन के लिए अप्लाई तो करोगे ना तो वट विल यू डू हाउ विल यू डू तो आप जो है वहां पे अपने रिज्यूमे में लिख दो की अवेलेबल अवेलेबल क्योंकि जो आपके कोर्सेज होंगे भी वो इतने ज्यादा नहीं होते अभी आप लिख दो ऑल टाइम अवेलेबल ठीक है या फिर बस ये लिख दो पार्ट टाइम अवेलेबल क्योंकि अब आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो तो यू विल राइट पार्ट टाइम अवेलेबल इसलिए मैं कह रही हूँ कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट इसलिए मैं आपको ये चीज कह रही हूँ मेन मुद्दा ये है आपकी जॉब लग जाए एक बार अगर जॉब लग जाती है ना तो अवेलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सब बदल जा सब सब ठीक हो जाता है यार जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा ना आप उनको बोलोगे कि ओके कॉलेज ने मुझे इसिस क्लास दे दी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू तो कम दिस डे बट आई कैन कवर अप ऑन द अदर डे तो वो एडजस्ट कर देंगे क्योंकि तब तक दे विल नो यू कि हाँ यू कैन वर्क राइट तो जिसको जॉब मिलनी होती है उसको वैसे मिल जाती है और जिसको जॉब देनी होती है वो वैसे जॉब दे देता है करेक्ट तो यू जस्ट मेंशन अवेलेबल पार्ट टाइम वो बोले कौन से दिन तो ऑल डेज यू आर अवेलेबल अभी तुम यही बोलो कि अवेलेबल ऑल डेज करके या ज्यादा बड़ी बात है कि उनको ऐसे लगे अरे सारे दिन ही अवेलेबल है तो कॉलेज का क्या सीन है तो फिर वो इतनी बातें करते भी नहीं है वो पूछते भी नहीं, वो पूछते भी नहीं वो है वो मार्ट आप हर दिन अवेलेबल हो तो अवेलेबल ऑल डेज पॉइंट पे ये वो आपकी मर्जी आप अवेलेबिलिटी कैसे मेंशन करते हो कि अवेलेबिलिटी होना जरूरी है और टॉप पे होना जरूरी है समरी के बाद हम अवेलेबिलिटी लिखेंगे अवेलेबिलिटी के बाद हम स्किल्स लिखेंगे ठीक है क्या आपकी क्या स्किल्स हैं तो स्किल्स जैसे कि सबसे ज्यादा सबसे मॉडर्न स्किल होती है कस्टमर सर्विस स्किल हो गई तो आपकी जो भी स्किल्स है एमएस ऑफिस हो गया या yeah, बेसिक जो एकदम ग्राउंडेड लेवल वाली स्किल्स है ना वो लिखना आप अगर एक रेस्टोरेंट में जाके वेटर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसमें ये मत लिखो से रिलेटेड कुछ आता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है मुझे डेटा एनालिसिस आता है मुझे ये आता है वो आता है वो सब मैटर नहीं करता है बिलीव मी जो वेटरेस से रिलेटेड स्किल्स होंगे ना चाहे नई में आती वो स्किल्स गूगल करो चार्ट जीपीटी करो समझो कि कौन सी होती है वो स्किल्स उठा के लिखो अब ए, एक एकदम से सारे के सारे प्रिंट आउट्स मत निकलवाओ आपको अलग अलग अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पांच अपना रिज्यूमे बनाओ निकालो जो कि आप रेस्टोरेंट्स के हिसाब से अपनी स्किल्स मेंशन करोगे करेक्ट तो जो रेस्टोरेंट्स के हिसाब से करोगे वो पांच रिज्यूमे के प्रिंट आउट निकलवाओ और सिर्फ रेस्टोरेंट में ही डिवाइड दो उसको आप दूसरे स्टोर्स वगैरह पे मत बांटो ठीक है या फिर कॉमन बेसिक आ, मतलब स्किल्स लिखो कि भाई एक ही प्रिंट निकालो जहां देना वहां दो उससे फर्क भी नहीं पड़ता है बिलीव मी मैं स्टोर के दूसरी साइड खड़ी रहती हूँ ना मुझसे बच्चे आके पूछते हैं कि आपको मतलब लाइक आई यू गाइज हायरिंग आई यू गाइज हायरिंग बिलीव मी कुछ मैटर नहीं करता आपका क्या एक्सपीरियंस है आपका क्या, क्या स्किल्स है कुछ मैटर नहीं करता क्या मैटर करता है अवेलेबिलिटी क्या है तभी अवेलेबिलिटी ऊपर होनी चाहिए पास वन पेज का होना चाहिए बस कोई कहानी नहीं लिखनी है डन तो जब आप अपने स्किल्स लिख दोगे स्किल्स के बाद आप अपना एजुकेशन लिख सकते हो एंड ये स्किल्स वगैरह एजुकेशन ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन स्पेशली यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन डन एंड ऑफलाइन में एजुकेशन अच्छे से लिखो एजुकेशन में सिर्फ आपको आपके कॉलेजेस लिखने हैं कि अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो एंड कहाँ से कर रहे हो दैट्स इट आप उसके बाद उसे उसके अलावा अपना बैचलर्स भी लिख सकते हो कि हाँ आपने अपना बैचलर्स कहाँ से किया था जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद आ रहे हो तो नो नीड टू राइट एनीथिंग जस्ट राइट यहाँ का कोर्स और यहाँ का कॉलेज अगर आप बैचलर्स करके यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हो एम के लिए आ रहे हो देन राइट योर बैचलर्स एंड देन राइट योर मास्टर्स उसके बाद आप लिखोगे अपने लाइक आपके जो भी सर्टिफिकेट्स है या फिर कोई लाइसेंस है सिक्योरिटी लाइसेंस लेते हो आप फूड सेफ लाइसेंस लेते हो करेक्ट आप फॉकलिफ्ट लाइसेंस लेते हो तो कैनेडा में ये प्रॉब्लम बहुत है चाहे छोटी जॉब है या बड़ी जॉब है आपको लाइसेंसेस बेस्ड रहती हैं मोस्टली जॉब एंड सर्टिफिकेशन बेस्ड रहती हैं स्पेशली लाइसेंसेस बेस्ड अगर आप फाइनेंस में भी आगे करियर बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे लाइसेंस करने पड़ेंगे राइट तो आप वो मैंशन कर सकते हो बस ऐसे सिंपल सर स्वीट सा, सा रिज्यूमे बनाना है कोई होश पौश नहीं है अब कुछ चीजें जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताई थी वो ये है कि जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए पूछने जा रहे हो ट्राई टू स्पीक विद द मैनेजर इफ द मैनेजर इज नॉट अवेलेबल देन चेक विद लाइक कि नेक्स्ट मैन की मैनेजर कब अवेलेबल होंगे एंड आल्सो चेक विद देम इफ दे नो समेयर वेयर लाइक देयर इज हायरिंग गोइंग ऑन

हाँ so कहा नहीं हो सकती है वो भी कर रहे होते हैं. तो ये तरीके से आप बात करो then second day या एक दिन छोड़ के दोबारा जाओ मैनेजर का पूछो कम से कम एक जगह पे तीन बार तो जाओ जब तक आपके मैनेजर से बात नहीं होती है एंड अगर किसी मैनेजर से बात हुई आपने रिज्यूमे then अगेन तो भी हम उनके पास दोबारा जाएंगे जस्ट फॉर अ फॉलो अप फॉलो अप भी कम से कम तीन बार करो और वैसे भी तीन बार जाओ जब तक आपका जो है अप्लाई आप नहीं करते हो मतलब जब तक आप मैनेजर से बात नहीं करते हो एंड सेकेंडली सिर्फ अगर आप सरी में रह रहे हो तो आप सिर्फ सरी में जॉब अप्लाई मत करो सिर्फ डाउन रह रहे हो तो डाउन में अप्लाई मत करो लाइक स्प्रेड योर मतलब पूरे पूरे दिन लगा दो भाई हर सिटी में मतलब हर जगह जाओ और हर प्लेस में जाके आप अप्लाई करो कमर्शियल स्ट्रीट जाओ ठीक है ब्रॉडवे जाओ आप कोलंबिया जाओ आप न्यू वेस्ट जाओ आप रिचमेंट जाओ आप वहां पे नीचे उतरो मेट्रो टाउन में उतरो आप भाई इतने छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए हैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं सब गो एंड चेक विद देम आस्क देम ठीक है तो यू नेवर नो आपको कहाँ मिल जाए क्योंकि मैं जितनों को भी जानती हूँ ना सबसे ज्यादा लोगों को जो है उन्हीं साइड्स पे जॉब ज्यादा इजली मिल रही है क्योंकि पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज एरिया वॉट वेयर दे आर फोकसिंग इज जहाँ वो रह रहे हैं जैसे कि सरी या फिर जो थोड़े बड़े अच्छे से सिटीज हो गए फॉर एग्जाम्पल डाउन वो सीधा चले जाते हैं डाउन में पूछेंगे वैंकूवर में पूछेंगे आप वो चले जाएंगे बुराद पे जाओ बुराद पे कितने सारे आप बुरात स्टेशन पे जब उतरोगे तो कितने ज्यादा वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे स्टोर्स हैं छोटे क्या मतलब मिडियॉर्क लेवल जैसे वहां पे स्टेपल्स है आप सरी के स्टेपल्स में जाओगे वो फॉर्म दे देंगे भाई वहां पे हर बच्चा जा रहा है आप बुराद के स्टेपल्स में जाओ जॉब की बात करो तो ऐसे सिमिलरली टाइम है उस टाइम को यूज करके थोड़ा मेहनत करना होता है ठीक है आपको बैठे बिठाए जॉब इतनी ईजली नहीं मिलेगी थिंग्स आर रियली डिफिकल्ट आउट हेयर बट स्टिल इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट इट सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर हार्ड वर्क एंड योर स्ट्रॉग विल बिलीव मी यू विल गेट इट राइट रिज्यूमे फिफ्टी परसेंट रोल प्ले करता है बट आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है वेन यू विल टॉक टू दैनिजर वेन टॉक टू पर्सन ट्राई टू टॉक मोर ओके चुप नहीं रहना है ऐसा नहीं करना है कि किसी ने बात करी तो तुमने बात कर ली किसी ने बात नहीं करी तो तुमने बात नहीं करी है एटीट्यूड थ्रू नहीं करना है मतलब मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं दे विल बी लाइक हाय आई विल बी लाइक हैलो आई यू गाइज हायरिंग नो ओके एंड निकल जाते हैं No, do not act like this. Check with them. Hi, like can I speak with the manager? Uh, so hi, how are you? I just wanted to check if you guys are hiring. Uh okay, so you're not hiring right now, it's okay. But do you have any idea by when we you would be planning to hire? Alright, okay. That's fine. So basically I recently came here and I'm looking for a job. So if you can help me if you know anywhere I can apply and people who are who must be hiring right now or who are hiring right now maybe I can go there and check if they are hiring. So the other person will see the eagerness in you. You know aise bhi bachcho ko job milti hai तो आप वो बात करोगे ना उनसे आपकी उनको आपकी पर्सनालिटी दिखेगी. तो अगर आप अभी भी अपने घर में ही हो and you are watching this video the only thing I will tell you to learn is your communication skill.

वॉज अ रियल लिट थिंग भाई बहुत देर से आप वेट करते आएंगे बहुत लॉन्ग भी है एंड आई थिंक मैंने आपको अभी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया जो की बाहर नहीं पता किसी को या किसी को भी नहीं पता बट स्टिल थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी एंड बिलीव मी और नॉट आई एम टेलिंग यू द्रूथ वर्क ऑन दीज एरिया इट विल डेफिनेटली हेल्प यू Alright, so if you found this video helpful, do not forget to like, share, and comment as well. Do let me know if this video is helpful and also share it with your friends and within your group. Thank you so much for watching my video. Bye.